अनमैन्ड हेलीकॉप्टर, ये कितना खास है और क्या कुछ कर सकता है, इसके बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ एक खास व्यक्ति भी मौजूद हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर कह सकते हैं, अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका, क्योंकि भारत तक लगातार स्वदेशी ड्रोन्स हो, हथियार हो, उनको कवर करता रहता है। तो आज हम आए हैं यही देखने के लिए कि आखिर ये हेलीकॉप्टर कितना खास है, अनमैन्ड हेलीकॉप्टर बनाया है इसे भारत की कंपनी ने। तो सबसे पहले तो आप मुझे इसकी वो यूएसपी बताइए जिसकी वजह से ये बाकी ड्रोन से अलग है। विब्रम एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है जिसको इंडिया एयर सिस्टम्स, जो एक IIT कानपुर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, उसने बनाया है। इस ड्रोन को बनाने में इंडियन आर्मी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, जिसने इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के दौरान काफ़ी सपोर्ट किया है। विब्रम अनमैन्ड हेलीकॉप्टर एक ऐसे वॉइड को फुलफिल करता है ड्रोन मार्केट में, जिसमें अनमैन्ड हेलीकॉप्टर जो कि होवर कर सकता है, बड़ा वर्सेटाइल है, फॉरवर्ड फ्लाइट में दुश्मन के एरिया के अंदर बड़ी जल्दी से जल्दी 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाके घुसपैठ करके अपना काम की इंफॉर्मेशन ला के हमारे फॉरवर्ड ट्रुप्स को दे सकता है। ये हेलीकॉप्टर 2.5 से 2.5 घंटे हम दिखाते हुए बात करते हैं, हम क्योंकि वहाँ पे हमारे सामने हेलीकॉप्टर है भी, और ये बिल्कुल अपने तरीके, ये लग रहा है कि एक बड़े हेलीकॉप्टर का छोटा प्रकार है ये। बिल्कुल सही आपने बताया कि ये जो हेलीकॉप्टर जो आप हम देख रहे हैं, इसका जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट गया है वो आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट से किया गया है। जो छोटा आप देख रहे हैं वही हेलीकॉप्टर कल को बहुत बड़ा आकार ले सकता है, और जब ये डिप्लॉय होगा तो पेलोड डिलीवरी, रिकॉनेसेंस, वेपन सिस्टम, ये तमाम तरह की चीज़ें अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर इसको आप डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, वो चीज़ जो इसे अलग बनाती है, आपने जब हमारी बात हो रही थी आपने बताया कि इसकी जो कैपेसिटी है या एंड्योरेंस है, जरा वो समझाइए किस तरीके से अलग है। सो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ये 2.5 घंटे हवा में उड़ सकता है स्टैटिक, ये कैपेबिलिटी हमारी आज की है। यही कैपेबिलिटी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जो कि 4 घंटे 5 घंटे हम अलग अलग टैक्टिकल कंसिडरेशंस, जो कि हमारी ज़मीनी फौज जो है और बाकी पैरामिलिट्री है, उनको किसी भी एरिया में किसी भी टारगेट की सर्वेलेंस करनी है, रात को दिन में कॉन्स्टेंट दुश्मन को एक बार पकड़ के उसको कांस्टेंट निगरानी में रखने का जो काम ये हेलीकॉप्टर कर सकता है, वो इस ड्रोन मार्केट में एक नया तरह का मार्केट ओपन करता है। तो क्या जो इसका एंड्योरेंस कितने देर रह सकता है? ये जो करंट वर्जन है ये 2.5 घंटे हमने इसको टेस्ट किया है, जो कि 2.5 घंटे से इसको हम 3.5 घंटे तक इसकी एंड्योरेंस हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, और मोस्ट लाइकली इसको 3 घंटे तक हम आराम से उड़ा सकते हैं। तो आपने बताया कि इसमें 2 तरीके का इंजन भी है, क्योंकि हम जो अभी देख पा रहे हैं ये एक पेट्रोल इंजन है, लेकिन आपने बताया कि एक दूसरा इंजन भी है, वो किस तरीके से काम करता है? इस प्रोडक्ट को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप देखेंगे तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि हाई टेक्नोलॉजी और बेसिक इंजीनियरिंग दोनों का एक तरह का मिश्रण है। हमें अपने ग्राउंड ट्रूप्स के लिए ऐसी चीज़ चाहिए जो कि ग्राउंड में डिफ़िकल्ट टेरेन में भी ऑपरेट कर सकी जाए, तो इसमें एक तरह से एक स्कूटर तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, जो कि एक इंजन जेनसेट की तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ स्टार्टर है इसका, इसके अंदर 2 स्ट्रोक का जो अपना ऑयल लगता है पेट्रोल, इसमें 2T, एंड बेसिकली इसके अंदर ये जो फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं, एंड ये बैटरी पावर्ड है, एंड बाकी इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर रिसर्च की गई है आत्मनिर्भर भारत के तहत, वो है इसका ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी, जो इसको इतना यूनिक बनाती है कि ये टेक्नोलॉजी आपको छोटा आकार से बड़ा आकार का हेलीकॉप्टर अनमैन्ड, वो एक
तरह की क्षमता प्रोवाइड करती है। अच्छा, और भी इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि स्वदेशी ये हेलीकॉप्टर है और हमने आप सबने जितने हेलीकॉप्टर देखा है वो समझ पाएंगे कि ये बिल्कुल एक उसका आकार है। तो जब ये बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाएगी, ठंड में जाएगी, तो वहाँ पर क्या असर होगा, किस तरीके से उसको कम्पीट करेगा ये? हाँ, सो बेसिकली इस हेलीकॉप्टर के अंदर जैसे कहते हैं वेरिएबल पिच, तो जैसे हेलीकॉप्टर की पिच बढ़ाई जाती है वैसे ही हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर ऑल्टीट्यूड जो वेरिएशन होती है उसको कैटर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर दी गई है। उसके अलावा ऑटो पायलट इसके अंदर, और मटेरियल के ये कार्बन फाइबर मटेरियल के हैं, ये पूरा जो बॉडी है कार्बन फाइबर की बनी हुई है, ये हाई इंड्योरेंस हाई रिजिडिटी बेसिकली उसके लिए उसके लिहाज से बनाई गई है। इसके अंदर एक GPS फिट करा हुआ है, जिसका एक कहते हैं GPS के ऊपर भी एक GPS दे रखा है कि ऐसी कभी कोई फील्ड के अंदर कंडीशन हो कि GPS कहीं हमारा दुश्मन जैम करता है तब भी ये हमारे इंडियन GPS के तहत उड़ सकता है। देखिए, अब जो ब्रोशर है उसमें लिखा हुआ है कि ऑटो रोटेशन, रिटर्न होम ऑन लो बैटरी, रिटर्न होम ऑन कम्युनिकेशन फेलियर और मल्टीपल GPS मॉड्यूल्स, आपने वो तो बता दिया। ये घर कैसे लौटेगा अगर कम्युनिकेशन फेल हो जाता है? बिल्कुल। तो इसके ऑटो पायलट के अंदर एक रिटर्न टू होम RTL या RTH रिटर्न टू योर लोकेशन कैपेबिलिटी दी गई है। जैसे ही ये ऐसे एरिया में जाता है जहाँ कम्युनिकेशन फेलियर होता है, तो सेफ्टी के लिहाज से इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है, वापस आपकी होम लोकेशन में आके ऑटोमेटिक इसमें लैंड किया कर देगा। आपने बताया ऑटो रोटेशन के बारे में, ऑटो रोटेशन एक ऐसी यूनिक कैपेबिलिटी एक हेलीकॉप्टर के अंदर जो एक्चुअल हेलीकॉप्टर्स में पायलट्स यूज़ करते हैं इन केस देयर इज अ इंजन फेलियर, जो कि बहुत ही माहिर पायलट्स अपने एक्सपीरियंस की वजह से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ इसके अंदर ऑटोनमस ऑटो रोटेशन टेक्नोलॉजी को लगाया गया है। जब हेलीकॉप्टर के अंदर इंजन फेलियर अगर हो जाता है तो उस टाइम पे ये ऑटो रोटेशन से ग्रेजुअल लैंडिंग ये किसी भी एरिया में आके कर सकता है और ये अपने आप को UAV सेफ रख सकता है, यानी ऑटो रोटेशन से अपने आप को सेफ भी रखेगा। और इसकी जो हम खास चीज़ें देख रहे हैं जो इस साथ लग सकता है, पेलोड, मल्टीस्पेक्ट्रल लिडार, इसके बाद इसमें कितना पेलोड ही ले जा सकता है अपने साथ? ये करंटली जो इसका पेलोड कैपेबिलिटी है ये 3.5 से 5 किलो अलग अलग कैपेबिलिटी पेलोड कॉन्फ़िगरेशन में लेके जा सकता है। पेलोड का डायरेक्ट कनेक्शन आपका होता है आपकी इंड्योरेंस पे, सो करंट 3.5-5 किलो के साथ ये 2 घंटे की फ़्लाइट आराम से अचीव कर सकता है। पेलोड्स जो आपने हमसे पूछे हैं ये बेसिकली यहाँ लगाए जाते हैं, तो ये पेलोड का ये स्लॉट है, अलग अलग पेलोड जैसे लेडार, डे कैमरा, नाइट कैमरा, ये सब इस स्लॉट के अंदर लगाए जाते हैं। जब आपको जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसके अंदर इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पेलोड के अलावा हम एमुनिशन भी लगा सकते हैं इसमें? हाँ, आगे आने वाले वर्जन्स आफ्टर इसके जो फील्ड ट्रायल्स सारे सक्सेसफुल होते हैं, हाँ, बाद में इसके अंदर एमुनिशन ड्रॉप कैपेबिलिटी उस हिसाब से कस्टमाइजेशन पॉसिबल। तो एक चीज़ और समझना चाहेंगे, इसकी स्पीड क्या है? इसकी आपकी जो फॉरवर्ड स्पीड है आप इसको 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति से भी दौड़ा सकते हैं। और क्या इसकी स्पीड से इसके परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर है तो ये एक तरह का इसमें जो होवर कैपेबिलिटी है और इसमें ऑटो पायलट कैपेबिलिटी है, जैसे मैंने बताया इसका कोर जो रिसर्च है आत्मनिर्भर भारत के तहत, इसका R&D ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी के अंदर है कि हम देश के अंदर ही एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर सिस्टम को ड्रोन के अंदर, जैसे अलग अलग वेरिएंट्स हैं तो अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को हमने इंट्रोड्यूस किया है उस ड्रोन मार्केट के वॉइड को फुलफिल कर। ये जो ऑटो पायलट शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसको चलाने के लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत होती है या फिर कोई ऑपरेटर होता है, तो ऑटो पायलट में क्या ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा? देखिए, ऑटो पायलट का ये होता है कि अगर आपने उसके अंदर सबसे पहले उसके अंदर कुछ ज़मीनी निशान जो या मैप के तहत आपने उसके अंदर GPS के कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक उन वे पॉइंट्स पे जाके अपना काम करके स्टेल्थ मोड में वापस आ सकता है। आप इसमें स्टेल्थ मोड है एंड जैसे कि इस हेलीकॉप्टर को मैंने आपको बताया 2 तरह के इंजन वेरिएशंस हैं इसके अंदर। एक तो जो आपने देखा इसके अंदर IC इंजन है, IC इंजन में हाई इंड्योरेंस मिलती है आपको, हाई पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी मिलती है। इसी का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है जो बिल्कुल साइलेंट है, तो उसके अंदर आपको जो साइलेंट रिकॉग्निशंस और जो कैपेबिलिटी है वो उसके अंदर मिलती है। जो स्टिल्थ मोड है वो इसके का बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है इसको या फिर इसकी जो नॉइज़ है वो बनाती है इसको? बेसिकली इसकी जो नॉइज़ है
तो वो इसको बनाती है, क्योंकि आपका जब इंजन आईसी इंजन जब हवा में चलता है तो उसकी अलग एक नॉइज़ होती है। इसको भी आप स्टेल्थ मोड में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर तकरीबन 600 से 700 मीटर की ऊंचाई पे इसकी नॉइज़ कैंसिल हो जाती है। या फिर ज़मीन से अगर आपने टारगेट एरिया से 600 से 700 मीटर आप इसको पीछे रखेंगे तो इसकी आवाज़ नहीं आती। उस कंडीशंस में दूर से ही दुश्मन के किसी भी कैंप किसी भी टारगेट को आप इसकी कैमरा की अच्छी कैपेबिलिटी से उस एरिया को आप बेसिकली नज़र में रख सकते हैं। जब आपने सेनाओं के सामने इस हेलीकॉप्टर को पिच किया तो सेनाओं की ज़रूरत के लिहाज से कितना सटीक बैठता है? सेनाओं की जो ज़रूरत है अलग अलग टेरेन कॉन्फ़िगरेशंस में अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स है। हाई ऑल्टीट्यूड में इसकी अलग रिक्वायरमेंट है जिसमें कस्टमाइजेशन अलग तरह से होती है। डेजर्ट ऑपरेशंस में BSF के लिए पेट्रोलिंग के लिए उस तरह से उसकी वेरिएशंस अलग लिहाज से होती है। सो कस्टमाइजेशन फॉर इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट एंड फॉर डिफेंस रिक्वायरमेंट पैरामिलिट्री वो चीज़ इस हेलीकॉप्टर में ये पॉसिबल है। और सबसे बड़ा जो समस्या है सबसे बड़ी वो ये है कि कनेक्टिविटी का इशू होता है। अगर हम हाई टेरेंस की बात करें तो अगर हम कनेक्शन लॉस होने पे ये वापस आ जाएगा, मतलब इसकी गारंटी है कि वापस आएगा ये जो, क्योंकि जो आखिरी कोऑर्डिनेट जहाँ से इसने इनिशियली टेक ऑफ किया होगा तो वो इसके अंदर है, यानी इसके अंदर मेमोरी भी है किसी तरह का? बिल्कुल आपने सही बताया, इसके अंदर जो लास्ट कोऑर्डिनेट जब उसका टेक ऑफ होता है वो उसकी होम पोजीशन होती है। तो रिटर्न टू होम यही फीचर है कि कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन लॉस या उसके अंदर और भी कोई पैरामीटर के अंदर अगर कोई फेलियर होता है तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये कैपेबिलिटी इसके अंदर बनाई गई है। ये सेल्फ इंटेलिजेंट है तो ये इस चीज़ को समझता है एंड वापस अपनी पोजीशन पे आके ऑटोमेटिकली लैंड कर जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। ये तो थी बातचीत की क्या कुछ कर सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस हेलीकॉप्टर की अनमैन्ड हेलीकॉप्टर की उड़ान कैसी है। एक यहाँ पर है जो उड़ने को तैयार है और दूसरा उड़ने के लिए अब तैयार हो रहा है और वो दूसरी तरफ है। अब हम आपको दिखाते हैं इस अनमैन्ड हेलीकॉप्टर की उड़ान। आमतौर पर जब ड्रोन्स की बात आती थी तो भारत की सेनाएं और भारत विदेशों की तरफ देखती थी, लेकिन अब देश में ही ऐसे ड्रोन्स बन रहे हैं, इसलिए ये स्वदेशी तकनीक अब सेनाओं की बहुत मदद करने वाला है।